इंडिया न्यूज भोपाल। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर वाला सारस्वत की मौत के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज पांचवा दिन है। श्रद्धांजलि के रूप में जूनियर डॉक्टर्स ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से रक्तदान शिविर का जायजा लिया हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने। भोपाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर वाला सरस्वती की मौत के बाद डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पाँच दिन हो गया है, आज उनको श्रद्धांजलि के रूप में डॉक्टर रक्तदान करने के लिए आए हैं। देख सकते हैं पूरे कैंप का आयोजन किया गया, क्योंकि लगातार आज पाँचवा दिन है और पाँच दिन से डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब श्रद्धांजलि के रूप में उनको एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टर बताइए किस तरह से विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, आज श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान का आयोजन किया गया है। देखिए डॉक्टर सरस्वती मैडम की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये कल सुंदरकांड का आयोजन किया था और आज हम उनकी स्मृति में ही ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, जिसमें 50 से अधिक जूनियर डॉक्टर सभी हम जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने रक्तदान किया है। और साथ ही साथ देखिए मीडिया के बंधु भी इस शिविर यानी कि इस अनुपम पहल में हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं बंसल न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी बोल सकते हैं कि डॉक्टर्स की नहीं, ये पेशेंट्स के केयर की भी लड़ाई है ना, क्योंकि यदि वर्क कल्चर अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, टॉक्सिसिटी नहीं होगी, तो जो डॉक्टर्स अपनी जो स्टडी कर रहे हैं, जो हमको यहाँ विधा सीख रहे हैं, जो विधा आती है सीख कर आए हैं, उस पर हम अच्छे से अमल कर पाएंगे, उसका अच्छे से क्रियान्वयन कर पाएंगे और रोगी का कल्याण होगा और रोगी स्वास्थ्य लाभ लेकर यहाँ से घर जाएगा। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर लगातार जो है रक्तदान शिविर के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर आज पाँच दिन हो गए, पाँच दिन से आप हड़ताल कर रहे हैं, आज प्रदेश भर में हड़ताल का ऐलान है, जगह जगह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। हम लोग की मांगे क्या हैं? हम लोग बस यही थोड़ी इज्जत चाहते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा चाहते हैं, उससे बढ़कर तो ये तो मिनिमम चीज़ें हैं जो किसी को भी रिक्वायर्ड होगी, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए तो सबसे ज़रूरी है। इससे बढ़कर हम कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन जो जो भी हमारे प्रशासन है वो हमें ये तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। हमारे वर्किंग आज देखिए, हमारे जो सीनियर्स हैं हमसे कैसे बिहेव करते हैं वो देखिए। बस हमारी यही मांग है कि ये सब चीज़ें सुधरे ताकि हम अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकें और पेशेंट के लिए अच्छा हम और भी बेहतर तरीके से काम कर पाए। डॉक्टर मुझे आप ये बताइए कि एक डॉक्टर ने सुसाइड की कोशिश और की थी और दो डॉक्टरों ने अपनी मार्कशीट हैंडओवर कर दी है और लगातार विरोध किया जा रहा है, अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता, पाँच दिन आज हो गए हड़ताल के, मरीज परेशान हो रहे हैं, तो आगे किस तरह से रुक रहे हैं? सर पॉइंट नंबर वन, हमें सिस्टम के जो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर हमको भरोसा है, ठीक है, तो वी ट्रस्ट इन द सिस्टम ऑफ जस्टिस, तो वी विल गो इन नॉन वायलेंस वे ऑफ प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी भी, तो बट हमें ये टू द पब्लिक ये बोलना चाहते हैं कि मैं भी ऑक्सगेन का रेजिडेंट हूँ, हमें मरीज को इलाज करने के लिए यहाँ पे है, हम यहाँ पे बस स्ट्राइक करने के लिए नहीं आए हैं। जब हमारा बात सुनने में नहीं आ रहा है तो इसके अलावा हमारा पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक हमारे जस्टिस नहीं मिलेंगे, जब तक डॉक्टर अरुण कुमार मैम सिस्टम से नहीं जा रही बाहर, जब तक स्ट्राइक चलते रहे। आज पाँच दिन हो गए हैं डॉक्टर, मरीज परेशान हो रहे हैं, आसपास से आ रहे हैं। डॉक्टर आप बताइए, आज पाँच दिन हो गए हड़ताल को, मरीज परेशान हो रहे हैं, आसपास से आ रहे हैं, वापस लौट जा रहे हैं निराश। हम भी चाहते हैं कि वापस हम हमारे काम पे लौटें, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरह डटे रहेंगे, क्योंकि अब नहीं लड़े तो रोज मरेंगे। तो डॉक्टरों का साफ कहना है कि डॉक्टर भी चाहते हैं कि अपने काम पर वापस लौटें, लेकिन जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता, जब तक इनकी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी, डॉक्टर मांग लगातार यही कर रहे हैं कि जो इनकी HOD थी डॉक्टर अरुणा कुमार, उनको जल्द से जल्द बर्खास्त कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़ भोपाल।